सबको पता है कि हिंदुस्तान और ईरान का एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है जो कहता है कि जंग के सूरत में ईरान के जो बंदरगाह हैं वो इस हिंदुस्तान इस्तेमाल कर सकता है, खास तौर पे चार बहार। हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। हम फिर वापस आ गए आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। अगर आप वीडियो का मेन हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो सीधा एक मिनट स्किप करके स्टार्ट कर सकते हैं और सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंच सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के एनालिस्ट जफर हिलाली ने ईरान और भारत के बीच जो समझौते हैं उसको लेकर कुछ कमेंट किए हैं, और अमेरिका में जो नए प्रेसिडेंट बने हैं जो बाइडन, उसके बाद अमेरिका की जो पॉलिसी चेंज होगी उसे लेकर भी जफर हिलाली के कुछ कमेंट है। जफर हिलाली ने बोला है कि अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो ईरान का जो बंदरगाह है चाबहार, उसे भारत यूज़ कर सकेगा, ऐसा ईरान और भारत की पार्टनरशिप है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की ओर बढ़ते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंटेलिजेंस कोऑपरेशन भी, एक्सचेंज ऑफ इंटेलिजेंस कोऑपरेशन जंग के सूरत में वो दोनों करेंगे। ये तो उनके रिटन अग्रीमेंट्स हैं, ये तो उनके ये हैं। तो ये किसके साथ जंग होगा? जाहिर है हिंदुस्तान का तो जंग सिर्फ पाकिस्तान के साथ होगा ना। चीन के साथ जंग तो होगा तो चार बहार की जरूरत नहीं होगी उनको। तो मैं हैरान हूं कि ये, हालांकि ये सब ये अग्रीमेंट्स हैं, फिर भी ये कह रहे हैं कि हम खास तौर हमारी दोस्ती बढ़ेगी, ये वो। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तानी जासूस BLA टेररिस्ट ईरान के सॉइल पे ट्रेन करते हैं, उधर से क्रॉस करते हैं और बॉर्डर को आते हैं। स्मगलिंग तो बे इंतहा है, खास तौर पेट्रोल का। वो रूट्स, वो रोड्स और वो पाथवेज जो इस्तेमाल होते हैं वो ईरान से शुरू होते हैं और आते हैं बलूचिस्तान के अंदर। तो अगर हम वो रोक सकते हैं, जाहिर है इसमें ह्यूमन स्मगलर्स जो हैं, जो इंसानों को ले जाते हैं यूरोप के लिए, सब चीज रोक सकते हैं मगर नहीं रोकते हैं। ये हमारा एक जमाने में बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है और मैं खुश हूं। लेकिन लेकिन हिलाली साहब, अच्छा हिलाली साहब, फिर भी हिलाली साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम क्यों हमेशा कंपेयर करते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान को? यानी ये तो एक रियलिटी है ना कि हिंदुस्तान माशी तौर पर बहुत बड़ा मुल्क, ज्योग्राफिक तौर पर बड़ा मुल्क, फिर और तो और आपने देखा कि मोदी जैसा भी जो यानी ये भी तो देखिए, अलमिया के दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरिया, मोदी जैसे फर्द को, शख्स को अपना प्राइम मिनिस्टर मुंतखब करती है, ये उनकी जमहूरिया है। और उसको भी देखिए, वो सऊदी अरब, UAE वो भी कबूल करते हैं। तो उनके जो हिंदुस्तान से कंपेयर करने के बजाय हम ये भी तो देखें ना जो हमारी कमजोरियां खामियां रहीं और खुद हमारी लीडरशिप की। अब ये कोई ऐसा तो नहीं है कि ईरान या सारी दुनिया नहीं सुन रही कि खुद हमारी एक बड़ी पार्टी का जो 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह रहा है वो अपने मुल्क के, अपने रियासत के बारे में क्या कह रहा है। तो हम जो है जो सॉरी टू से मुझे ये तासुर मिला कि आप ईरान को तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी डाल रहे हैं, लेकिन इसमें हमारा भी तो कसूर है ना हिलाली साहब, हमारी पॉलिटिकल क़यादत का, हमारी हुकूमतों की जो है वो खारजा पॉलिसी की कमजोरियों और खामियों का, जो हम इसको ट्रेड नहीं कर सके, दिफा नहीं कर सके। हिलाली साहब देखिए, बात हम कर रहे हैं ईरान और पाकिस्तान का, हम बात कर रहे हैं आपका जो साहफ़, जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंट है वो अभी बता रहा था कि किस तरीके से बातें हो रही हैं। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ये दोस्ती जो आजकल बात हो रही है, इस दोस्ती को पक्का करने के लिए बहुत सारे चीजें होने पड़ेंगे जो इस वक्त नहीं है। और मैं आपको पॉइंट आउट करके बताना चाहता हूं कि हमारा दुश्मन हिंदुस्तान के साथ इनके किस किस्म के ताल्लुकात हैं। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं ईरान और इंडिया में, मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि हमारा दुश्मन है हिंदुस्तान, और अगर ईरान हमारा दोस्त बनना चाहता है तो जब जंग छिड़े पाकिस्तान और इंडिया में, हम नहीं चाहते कि एक उनका बंदरगाह हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाए जो उन्होंने लिख के दिया है हिंदुस्तान को। अगर आप समझते हैं वो इररेलेवेंट है तो बस आप समझते हैं, मैं नहीं समझता। नहीं तो इंडिया है तो सॉरी टू से, फिर सऊदी अरब और UAE जो आपके करीबी मुल्क हैं, उनके भी तो इंडिया से इतने ही करीबी ताल्लुकात हैं तिजारती, और उन्होंने किस तरह वेलकम किया उनको, तो खाली हम उसको ही क्यों कहें। आप बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल आजकल जो ताल्लुकात हैं हिंदुस्तान के और सऊदी के वो बहुत बहुत गहरे हैं, हमारे से बहुत ज़्यादा हैं। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान पे वो ताल्लुकात रहे नहीं, इस वक्त सऊदी अरेबिया हमारे दोस्त के तरह तो नहीं बिहेव कर रहा है ना, वो तो हमारा एक एडवर्सरी के तरह बिहेव कर रहा है। पैसे देता है फौरन वापस मांगता है, हमें हमारी दुश्वारी है, हम कहते हैं रोल ओवर करो, वो कहता है नहीं, और वही पैसे जो हमें कहता है वापस करो, वही पैसे सबके सामने बताने के लिए हमारे लोगों को कि देखो मैं बदला ले रहा हूं, वो हिंदुस्तान में जाके इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन मैं हिलाजा बहुत ही गार्डेड लव में इसलिए इस्तेमाल करूंगा कि उसका सबब ये भी तो था कि हमारे जो पास्ट के हुक्मरान थे उन्होंने मुहिमजुई की, उन्होंने कुछ लश्करों और सिपाहों को इस तरह भेजा, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी बड़े, सबको पता है कि किस तरीके से जो साबिका प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे वो उसामा और रमजी और फलां और ये और इन लोगों ने खुलेआम सबको, और अभी भी वही मैं किसके नाम लूँ, अफगान, तो हमने भी तो ऐसे इकदाम किए जिससे ईरान को अनाइट होना था, उसके बावजूद बहरहाल उन्होंने वो पास्ट को जहन में नहीं रखा। ये मैं बहुत तफसीली मौजू है और हसास भी है। माफ करिए, हाँ बिल्कुल, 1994-95 में तो पाकिस्तान तालिबान के साथ लड़ रहे थे जंग में, और वो लड़ रहे थे तालिबान के खिलाफ, बिल्कुल सही कहा आपने, बल्कि उनके, मैं कहता हूँ उनके जो जवान थे वो अहमद शाह मसूद के खिलाफ साथ लड़ रहे थे तालिबान के खिलाफ, बिल्कुल आपने सही कहा, मैं तो नहीं डिनाई कर रहा हूं। लेकिन ये भी तो हकीकत है ना हिलाली साहब, कि ईरान बिल्कुल आइसोलेशन का जब शिकार हुआ तो बहरहाल हमने उनसे दोस्ती का नाता तो नहीं तोड़ा ना, डिस्पाइट इसके कि हम सऊदी अरब से बहुत करीब थे, ईरान अपनी पॉलिसियों के सबब भी तो एक आइसोलेशन का शिकार एक अरसे से रहा, उनके यहां भी तो एक बहुत गालिब जो उनकी लीडरशिप थी वो अपने मसलक के एतबार से अपनी फॉरन पॉलिसी को चलाती रही, उनमें भी खामियां थी, अब उन्होंने अपने को दुरुस्त किया ना, और जिस सबब उन पर दिफाई पाबंदियां लगी, हमने उस मुश्किल वक्त में ईरान को नहीं छोड़ा बिल्कुल मुकम्मल तौर पर, तो हमने नहीं छोड़ा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने नहीं छोड़ा उनको, और हम देखेंगे कि अब देख रहे हैं, ये कह रहे हैं दोस्ती चाहते हैं, मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं आपको कि दोस्ती के लिए ये सब चीजें जो मैंने जिक्र किया था, आजकल रात को वो 6 फुट का जो गैप है, डिच है, उस पे लोहे के पाइल्स डाल के उनकी गाड़ियां जो स्मगल कर रही हैं वो आ रही हैं पाकिस्तान। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आपने गुलबद्दीन यादव को, आपको पता है कि वो ईरान से आया था और पता नहीं कितने यादव उधर हैं, तो देखिए हम भी दोस्ती चाहते हैं, हम एक जमाने में हमें पता था कितनी जबरदस्त दोस्ती थी, और मैं नहीं कहता हूं कि हर वक्त ईरान का ही कसूर है, हमने भी कुछ ऐसे दफे कुछ ऐसे चीजें की हैं जो उनको भी बड़े रिजर्वेशंस थे और जायज थे उनके रिजर्वेशंस, मगर अगर अब अगर दोस्ती वाकई चाहते हैं तो ये सब चीजें जो आज कल आज हो रहे हैं ये रोकें, BLA टेररिज्म को उनके सॉइल पे ट्रेनिंग से रोकें, हमारे इकोनॉमी में स्मगलिंग एक बहुत बड़ा ये है, स्मगलिंग तो नहीं रोक सकती हिराली साहब, कोई बॉर्डर नहीं रोक सकता, मैं ये पूरा ये वाला बॉर्डर हो, मंद का बॉर्डर हो, इंडिया वाला बॉर्डर हो, अफगानिस्तान वाला बॉर्डर हो, हम तो ओपन बॉर्डर है ना, फिर आपका पोर्ट अलग खुला है, फिर केटी बंदर है, हम इसे ज्यादा जानते हैं, हमारा इतना ओपन बॉर्डर है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क सारी फौज भी लगा दे तब भी स्मगलिंग नहीं रोक सकता, और जब गरीब मुल्क हो, जब आप लोगों को दे नहीं सके तो फिर स्मगलिंग होगी, तो मैं खैर वो एक अलग मौजूद रहेगा, लेकिन जस्ट गो फॉर। तो यहाँ पर वीडियो का होता है दी एंड, आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन आपके लिए एक शर्त है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट पे अपने सुझाव जरूर शेयर करें। दोस्तों यहाँ पर जफर हिलाली ने भारत और ईरान के बीच कुछ जो रिश्ते हैं उसके बारे में चर्चा की है और बात की है, अमेरिका में जो नए प्रेसिडेंट आए हैं उनकी भारत को लेकर क्या पॉलिसी रहेगी और साउथ एशियन इंडियन सबकॉन्टिनेंट को लेकर क्या पॉलिसी रहेगी। तो दोस्तों जफर हिलाली ने भारत और ईरान के रिश्ते को लेकर कुछ बातें कही हैं, जैसे कि चाबहार पोर्ट डिस्कस किया है, उन्होंने बोला है कि चाबहार पोर्ट, अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो चाबहार पोर्ट ईरान देगा भारत को पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ करने के लिए, ऐसा इन्होंने बोला है। हालांकि आपको पता होगा चाबहार पोर्ट बनाने का भारत का मकसद क्या था, भारत को मिडिल एशिया तक पहुंचने के लिए एक रूट चाहिए था जो कि बड़ी आसानी से पाकिस्तान से
मिल सकता था बाय रोड पाकिस्तान से सीधा अफगानिस्तान, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहता है। भारत का व्यापार क्यों चाहेगा पाकिस्तान? और भारत के पास एक और ऑब्वियसली एक ऑप्शन था, अगर भारत के पास पीओके होता तो पीओके की कुछ हिस्सा जो बॉर्डर का हिस्सा है वो अफगानिस्तान से टच करता है और तो भारत और अफगानिस्तान का सीधा मेल हो जाता पीओके के थ्रू, तो भारत को कोई रूट की जरूरत नहीं रहती, भारत को मिडिल एशिया तक पहुंचने के लिए आसानी से एक रास्ता मिल जाता। तो दोस्तों भारत के पास ये दोनों ऑप्शन बंद थे, तो भारत ने दिमाग लगाया चाबहार पोर्ट डेवलप करने में और डेवलप भी कर दिया। ईरान के थ्रू भारत अफगानिस्तान पहुंचता है रेलवे लाइन से, रेलवे लाइन से अफगानिस्तान पहुंचने के बाद मिडिल एशिया में आसानी से भारत पहुंच सकता है। तो दोस्तों ये एक ट्रेड के लिए ये एक पोर्ट बनाया गया था, जिसको जफर हिलाली बोल रहा है कि ये भारत पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ करता है टेररिज्म फैलाने में, युद्ध के लिए यूज़ कर सकता है, ऐसा जफर हिलाली बोल रहा है। और जफर हिलाली को प्रॉब्लम है भारत ईरान और अमेरिका को दोनों को एक साथ कैसे मैनेज करता है, क्योंकि आपको पता होगा ईरान पर कितने सेंसर्स लगे हैं, ईरान से कोई तेल नहीं खरीद सकता लेकिन भारत ईरान से तेल खरीदता है। भारत की फॉरेन डिप्लोमेसी की एक खास बात है कि भारत कैसे मैनेज करता है ये आप सब जानते हैं। तो जफर हिलाली को एक टेंशन है कि इस पोर्ट को भारत, जब ईरान, अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो ईरान ये पोर्ट पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ करने के लिए दे देगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक ट्रेड के लिए पोर्ट बनाया गया है, ना कि वॉर के लिए। यहाँ पर कोई ऐसा कुछ है नहीं कि यहाँ पर कोई भारत की मिलिट्री जाकर ईरान बॉर्डर से पाकिस्तान